अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तेरे बिन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब सलमा बेगम आती है अनिल के पास तो कहती है कि सलमा अनीला देखो हम तो ऐसा लगता है कि हम आपको भूल ही गए हैं। तो कहती है अनीला हाँ मैं कौन सा किसी को याद आने वाली चीज़ हूँ। तो कहती है सलमा नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानती हो ना अनीला के मीरा कहीं नहीं मिल रही और मुतसिम उसके पीछे मारा मारा फिर रहा है और उसको अपना भी पता नहीं है, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रहा और मीरब के पीछे पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा है। तो क्या आपसे कोई उसका रब्ता हुआ है, कोई उसकी दोस्त वगैरह जिसके पास वो जा सकती है। तो कहती है नीला हाँ उसकी दोस्त हैं, बहुत अच्छी हैं सबा और मलाइका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास गई होगी, बल्कि सबा तो काफ़ी दिनों से मुझे तो नज़र भी नहीं आई है और ना ही उसकी कोई कॉल वगैरह आई है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कहाँ जा सकती है। तो कहती है सलमा मैं परेशान तो बहुत हूँ लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अब जब मीरब मिल गई तो मैं उसे अपने घर नहीं आने दूंगी। तो कहती है अनीला बाबी बेगम आप कैसी बातें कर रही हैं, रहम करें मुझ पर, अब तो मेरे शोर भी मेरे सर पे साया नहीं रहा और मेरी बेटी भी दर बदर फिर रही है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखें। जब रोहेल आता है सलमा के पास तो कहता है कि आंटी मुझे आपसे कुछ कहना है। तो सलमा कहती है हाँ बेटा बोलो क्या कहना है, क्या मीरब तुम्हारे पास है। देखो बेटा पहले जो भी हुआ और मदसिम ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी दुश्मनी में कोई ऐसा काम करो। तो कहता है रोहेल इसलिए आंटी मैं आपके पास खुद आया हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात का यकीन आ जाए, वो मीरब मेरे पास नहीं है। हाँ लेकिन मैं उसके बारे में जानता ज़रूर हूँ। तो कहती है सलमा तो बेटा बताओ ना जल्दी से, मेरा बेटा बहुत परेशान है उसके लिए। तो कहता है रोहेल कि मीरब आई थी सबक के घर रक्षा ड्राइवर के साथ, कोई पठान था और अब हमें उस पठान को ही ढूंढना चाहिए। तो सलमा कहती है कि ठीक है तुम मुतसिम को बताओ, उसका हुलिया वगैरह बताओ ताकि वो उसे तलाश करें। ठीक है आंटी मैं उसको बताता हूँ लेकिन अगर आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि अभी वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो कहती है सलमा ठीक है मैं ही खुद बता देती हूँ। ये सब देखेंगे आप नेक्स्ट एपिसोड में। मज़ीद नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचता रहे। शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।